टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। पंजाब में गेहूं खरीद की सरकारी प्रक्रिया पर विराम लगना शुरू हो गया है। इसको लेकर पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग ने राज्य की 100 से 150 मंडियों को बंद करने का फैसला किया है। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा है कि हमने तय किया है कि जिन 100 से 150 मंडियों में गेहूं की आवक नहीं हो रही है वह बंद हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों के साथ अनाज का एक एक दान खरीदना किया गया है, वो जो वायदा है वो जारी रहेगा। साथ ही पंजाब में 2300 से अधिक मंडियां हैं जो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर गेहूं की खरीद कर रही है। साथ ही पंजाब में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर रही मंडियों के बंद होने का सफर गुरुवार से शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में आने वाले दिनों में अन्य मंडियां भी बंद होंगी। असल में बीते दिनों पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लालचंद ने जानकारी देते हुए बताया था कि मंडियों में गेहूं की आवक में कमी होने के चलते इन्हें बंद करने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि मंडियों को एक साथ बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि सिलसिलावार यानी चरणबद्ध तरीके से मंडियां बंद की जाएंगी। इसके पहले चरण की शुरुआत गुरुवार से ही हो गई है। वहीं चार भले ही पंजाब की मंडियों में गेहूं की आवक कम होने की वजह से पंजाब सरकार को मंडियों को बंद करने का फैसला लेना पड़ा है, लेकिन मौजूदा समय में पंजाब की गेहूं के केंद्रीय पूल में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। वहीं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के बीते दिनों 1 मई तक गेहूं खरीद का आंकड़ा जारी किया था, जिसके तहत 1 मई तक 11 राज्यों से कुल 161.95 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद MSP पर की गई है, जिससे अकेले पंजाब से 89,10,562 मीट्रिक टन गेहूं MSP पर खरीदा गया है, जो 50% से अधिक है। वहीं पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने 3 मई को जानकारी देते हुए यह भी बताया था कि पंजाब ने अब तक 93 लाख टन से अधिक गेहूं MSP पर खरीदा है। साथ ही किसानों से MSP पर गेहूं की खरीद कर रही मंडियों में गेहूं की आवक कम होने के कई कारण सामने आए हैं, जिसमें से एक रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध भी है। असल में इन दोनों देशों को ही गेहूं का गढ़ कहा जाता है, जो दुनिया के कई देशों को गेहूं की आपूर्ति करते हैं, लेकिन युद्ध के कारण दोनों देशों से वैश्विक बाजारों में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस कारण भारतीय गेहूं विदेशों से बाजार में जगह पाने में सफल हुआ है, जिस कारण किसान बड़ी संख्या में सरकार को MSP पर गेहूं ना बेचकर निजी खरीदारों को गेहूं बेच रहे हैं। वहीं एक दूसरा कारण फसल खराब होना भी है। असल में मार्च में हुई बारिश की वजह से पंजाब की गेहूं की फसल खराब हुई है। इस कारण गेहूं के दाने परिपक्व नहीं हो पाए हैं और जो सरकारी खरीद के मानकों में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।